हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इंडस्ट्री में कई स्टार्स के गॉडफादर हैं, फिर चाहे वो कैटरीना कैफ हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा। इतना ही नहीं, जैकलीन और डेजी शाह के लिए भी सलमान किसी मसीहा से कम नहीं है। कहते हैं कि एक बार सुल्तान किसी पर अपना हाथ रख दे तो उसकी किस्मत बदल जाती है। वहीं अब लीजिए, सलमान सोनू के टीटू की स्वीटी पर मेहरबान हो गए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं नुसरत बरूचा की, जो जल्द ही सलमान की होम प्रोडक्शन फिल्म में नजर आने वाली है। ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान ने अब तक कई फिल्मों को अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए रिलीज किया है और सलमान ने कुछ सालों पहले ही खुद का प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के नाम से शुरू किया था। और इस प्रोडक्शन हाउस में हीरो लवरात्रि के जरिए उन्होंने सूरज पंचोली, आथिया शेट्टी, आयुष शर्मा और वरीना हुसैन जैसे एक्टर्स को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। वही हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म नोटबुक को भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है। ऐसे में अब नुसरत भी सलमान के कैंप से जुड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी शादियों पर बेस्ड हो सकती है। और बता दें कि नुसरत बरूचा की ये फिल्म एक फुल ऑन कॉमेडी मसाला होगी। तो खबरों की माने तो भाईजान जल्द ही इस फिल्म को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सलमान खान के साथ जुड़ने के बाद नुसरत बरूचा के करियर को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, या फिर यूं कहें कि नुसरत की किस्मत ही बदल जाएगी। बात करें नुसरत की आने वाली फिल्मों की, तो वो जल्द ही आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में नजर आने वाली है। वैसे आप नुसरत को सलमान के फिल्म में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।